माही विलेज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाजर की आइसक्रीम बनाने का बहुत ही ईजी तरीका। जैसा कि आपको पता है कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाजर को कट कर लिया है और छोटा छोटा बारीक कर लिया है। इससे क्या होगा कि मिक्सर में पीसने से हमें बहुत ईजी तरीके से हम पीस सकते हैं इसको। और हमने ये मिक्सर में डाल लिया है, इसको हम बहुत ही पतला पीसना है। चलिए ये देख लीजिए, आप बहुत अच्छा सा पीस गया है, पतला सा। इसी तरह आपको भी पीसना है। और हमने इसके बाद ये 2 गिलास दूध लिया है, और दूध को इसको ना मैक्सिमम इसको हम चलाते रहेंगे। 20 मिनट तो हमें चलाना ही है। आप इससे ज़्यादा अगर चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे जितना ये इसमें गाढ़ापन आता रहेगा, उससे अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। ये हम गाजर उसी में डाल रहे हैं और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसके बाद मैंने डाली है 1 कटोरी सूजी। इससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम और अच्छी बनेगी। अगर सूजी ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे ना, तब भी कोई बात नहीं, हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनने वाली है। और ये हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल रहे हैं। जैसा आपको पसंद है चीनी, उसी हिसाब से डालें। और इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। इसमें देखिए, आप जब तक चलाते रहोगे ना, इसमें थोड़ा जब आप चलाओगे ना, उसमें कलर अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, मैंने उतार लिया। और इसको ठंडा होने के लिए आपको रखना पड़ेगा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। और ये डो एकदम तैयार है। और हम ये ग्लास में थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं नीचे खाने वाला, जिससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम ना थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगी, दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद ये डो हम जो मेरा तैयार हुआ था ना, अब इसी में हम डाल लेंगे। इस तरह हमने सारी ग्लासों में डो डाल लिया है। और अब इसको ना पोलोथीन से बहुत अच्छे से ढक करेंगे, जिससे क्या होगा कि बाहर की हवा बिल्कुल नहीं पास होगी और आइसक्रीम ना बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह ना सारी ग्लासों में ऐसे बंद करके, और हमें 1 रात के लिए ना इसको फ्रिज में रखना है। आप देख सकते हैं, मैंने 1 रात के लिए रखा था इसको, और आइसक्रीम हमारी तैयार है। अब इसी तरह हम पोलोथीन सबकी हटा लेंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत अच्छी जम के तैयार हुई है। और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इससे क्या होगा कि आइसक्रीम हमारी आसानी से निकल जाएगी। अब देख सकते हैं, ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छी बनके तैयार हुई, और खाने में तो अच्छी है ही है। जिससे ऐसी आइसक्रीम है कि आप खाएंगे ना, जिससे आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और ये मैंने बच्चों से कुछ पूछा था, कैसी बनी? सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। और प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।